अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बॉलीवुड में फिल्मों को बायकॉट का सिलसिला तमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल बॉलीवुड का एक आनिया आने वाला फिल्म ब्रह्मास्त्र सितंबर में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और साउथ इंडियन हीरो नागार्जुन शामिल है। लोगों ने इस फिल्म के खिलाफ अभी से बायकॉट करना शुरू कर दिया। बायकॉट ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड अभी से शुरू होने लगा। ब्रह्मास्त्र टीम को जब बायकॉट का पता चला तो उसने बड़े बड़े साउथ इंडियन हीरो से फिल्म की प्रमोशन शुरू कर दी। लोग क्योंकि साउथ इंडियन हीरोज को पसंद करती है, इसलिए ब्रह्मास्त्र का टीम साउथ इंडियन हीरो के पीछे पना ले रही है। लेकिन लगता तो ये नजर आ रहा है कि वो कद दूर नहीं जिसमें लोग साउथ इंडियन के हीरोज का भी बायकॉट करना शुरू कर देगा। 28 तारीख को बायकॉट ब्रह्मास्त्र का 50,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स आए। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन की वजह से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक सारिफ ने ट्विटर पर आलिया भट्ट की कुछ पिक्चर शेयर की जिसमें इसका बाप महेश भट्ट जाकिर नाइक से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ तस्वीर ट्विटर पर गर्दिश कर रही है जिसमें आलिया भट्ट और उसके फैमिली को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है और रणबीर कपूर को पीके का कैरेक्टर आमिर खान के साथ जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे मुख्तलिफ चीजें ट्विटर पर आ रहे हैं और ब्रह्मास्त्र को लेकर ट्विटर पर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों का बायकॉट का रिएक्शन शदीद आएगा और उस वक्त के लिए हम इंतजार करेंगे। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, इस तरह बॉलीवुड के फिल्मों का बायकॉट होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।